तुर्की में आए भयानक भूकंप का डर अभी तक लोगों के जहन से निकला नहीं था कि अब एक और बड़े भूकंप से लोग सहम गए हैं। मंगलवार की रात अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जोरदार भूकंप आया। इस भूकंप के झटके उत्तर भारत के कई इलाकों में भी महसूस किए गए। इस भूकंप की सबसे ज्यादा तबाही पाकिस्तान में देखने को मिली। लगभग पूरा पाकिस्तान रात में सड़कों पर आकर बैठ गया। आपको बता दें कि भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का हिंदू कुश पर्वतीय क्षेत्र था। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.8 बताई जा रही है। इस भूकंप की वजह से पाकिस्तान में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि यह संख्या बढ़ सकती है। इसके अलावा 100 से भी ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। लेकिन इस भूकंप के बीच एक शख्स की जबरदस्त चर्चा हो रही है। ये शख्स है फ्रैंक हुगरबिट्स। फ्रैंक हुगरबिट्स नीदरलैंड के एक रिसर्चर हैं। फ्रैंक के बारे में दुनिया को तब पता चला जब तुर्की को लेकर इनकी एक भविष्यवाणी सही साबित हुई। फ्रैंक हुगरबिट्स ने 3 फरवरी को एक ट्वीट किया था जिसमें कहा गया था कि तुर्की में एक बड़ा भूकंप आ सकता है। अब इसे आप संयोग कहिए या कुछ और, लेकिन 6 फरवरी को तुर्की में भयानक भूकंप आया। तुर्की की भविष्यवाणी के बाद फ्रैंक हुगरबिट्स ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत को लेकर भी एक भविष्यवाणी की थी। फ्रैंक ने एक वीडियो में दावा किया था कि तुर्की के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में भी एक बड़ा भूकंप आ सकता है। हैरानी की बात देखिए कि फ्रैंक हुगरबिट्स की यह भविष्यवाणी भी सही साबित हुई। 22 मार्च की रात को अफगानिस्तान और पाकिस्तान में तेज भूकंप आया। इस भूकंप से भारत के कई हिस्से भी हिल गए। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि 2019 में असम और अरुणाचल प्रदेश में आए भूकंप की भविष्यवाणी भी फ्रैंक हुगरबिट्स ने पहले ही कर दी थी। 2019 में भी फ्रैंक हुगरबिट्स ने एक भविष्यवाणी की थी कि 8 जुलाई से 11 जुलाई के बीच इराक और ईरान बॉर्डर पर भूकंप आ सकता है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि 8 जुलाई को ही वहां भूकंप आ गया। कई लोगों का कहना है कि फ्रैंक तो रोज कई भूकंपों की भविष्यवाणी करते हैं, हो सकता है उनके तुक्के कई बार सही साबित हो जाए। लेकिन भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। अब फ्रैंक हुगरबिट्स ने भले ही तुक्के मारे हों, लेकिन हाल ही के दिनों में उनके तुक्के सही साबित हो रहे हैं।